ये बछड़ा 23 जून को हमारे क्लिनिक में आया। इसका नाम हमने बूंदी रखा है। इसकी माँ का हमें नहीं पता। 23 जून को ही अमूल के MD मिस्टर सोडी ने एक बयान दिया है कि भाई हमारे देश में तो पशुओं के साथ क्रूरता हो ही नहीं सकती, इन पशुओं को तो हम परिवार के सदस्यों की तरह रखते हैं। सोडी सर, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, आप हजारों करोड़ों रुपए की एक कंपनी चलाते हैं, मैं तो फिर भी गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूं, हमारी जरा सी खेती है यहां पे। अगर मुझे ये साफ दिख रहा है कि या तो इस बछड़े को किसी डेयरी वाले ने सड़क पे छोड़ा, या इसकी माँ को उसने छोड़ा और फिर ये बेचारा सड़क पे पैदा हुआ, तो सर आप ये बयान कैसे दे सकते हैं? अकेले गुजरात में ही 15 लाख गाय बैल, ये जो परिवार के सदस्य हैं, ये सड़कों पे बेसहारा घूम रहे हैं। इनके पास गर्मी में पीने को पानी नहीं है। हम तो परिवार के सदस्यों के साथ चॉकलेट मिल्क पीते हैं। इन लोगों को कूड़े में जाके प्लास्टिक खाना पड़ता है। हम परिवार के सदस्यों के साथ AC में बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। तो सर इन परिवार के सदस्यों के साथ ये भेदभाव क्यों? अब इससे एक दिन पहले 22 जून को अखबार में आपने एक फुल पेज ऐड दी है जिसमें आपने लिखा है कि भाई डेयरी जो है रोजगार जनरेट करती है। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी उद्योग रोजगार जनरेट करेगा ही। आपने लिखा है कि डेयरी एक कंप्लीट मील है। मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूं, पर जो लोग 3 टाइम वैसे ही खाना खाते हैं उनको दूध की क्या जरूरत है, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आपने लिखा है डेयरी इज गुड फॉर कैटल, यानी कि डेयरी उद्योग गाय बैल के लिए अच्छा है। सर ये बात मैं आपकी कैसे मान लूं? मैं फिर भी कोशिश करूंगा, आप मेरे 3 में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। जिन बछड़ों को बारी बारी पैदा किया जाता है ताकि गाय दूध दे, उन बछड़ों का आखिर क्या होता है यार? जब गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तब वो बूढ़ी गाय कहाँ जाती है? आज इंडिया बीफ का टॉप एक्सपोर्टर है, वो जो भैंसे कटती हैं वो भैंसे डेयरी उद्योग से नहीं आ रही तो कहाँ से आ रही हैं? इसी एड में आपने कृष्ण जी को मिल्कमैन ऑफ इंडिया बताया है। सर कृष्ण जी गौ पालक थे, वो गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से उठाने वाले, गाय को प्यार करने के लिए 2 हाथ का इस्तेमाल करते थे। आज तो डेयरी वाला एक हाथ से गाय को धोता है, दूसरे हाथ से बछड़े को सड़क पे कर देता है। गौ पालक कभी भी बूढ़ी गाय को सड़क पे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, गौ पालक कभी भी भैंस को कटने के लिए नहीं बेचेगा। तो है तो छोटे मुंह बड़ी बात, पर अगर मैं ये सब कुछ जानते समझते भी चुप रहूंगा तो जो गाय की आज दुर्दशा है उसमें मैं भी भागीदार हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आप सबको भी कहूंगा कि ये सवाल उठाइए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए।